स्वर सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। मैंने पिछले 2 दशकों में कई बार उनसे संवाद किया और जब भी मैं उनसे बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। उनका जीवन ही ऐसा था, वो प्रकृति और परमेश्वर की एक अप्रतिम रचना और हम सब के लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। और मैं ऐसा देखता हूँ और जब इतिहास पर नज़र डालता हूँ तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अपने आप में अलौकिक प्रतिभा संपन्न अनिर्वचनीय व्यक्तित्व की धनी और माने सदियों के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व भगवान के अनुग्रह से धरती पर अवतरित होता है। ऐसे ही वो संगीत का सुरों का एक दिव्य अवतार थी। मैं श्रद्धामयी दीदी को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा की भगवत शरणागति के लिए, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत दुखद खबर, स्वर को किला लता जी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी मां को खो दिया। जो आवाज कहां से आएगी, भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था वो अब भर पाई, बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर, अत्यंत दुखदायी है यह समाचार कि ममत्व वात्सल्य अपनापन और कंठ ध्वनि में स्वर्गीय आनंद से भरपूर महाताल के काल ने उन्हें स्वर्गीय कंठ वाली महान गायिका, भारत रत्न ही नहीं भुवन रत्न कहा जाएगा, ऐसी मर्मस्पर्शी आवाज कंठ वाली लता दीदी चली गई। एक ऐसे युग की समाप्ति हुई जहाँ कहा जा सकता है कि शायद कान्हा के वंशी की खोज की जाएगी तो उसमें पहली सीट भी संभवतया महान महिमामयी आदरणीय लता जी के कंठ ध्वनि से ही वो यात्रा होगी। आहत कर गई आहत नाद की अनन्य उपासिका माननीय भारत रत्न भुवन रत्न लता दीदी, स्वर्गीय
कंठक ध्वनि वाली स्वर्ग यात्रा में गई। अभी कल ही तो माँ भारती की वसंत पंचमी की पूजा की गई और आज ये स्वयं मिलने चली गई माँ भारती की दुलारी। उन्हें संगीत जगत और काशी की ओर से अनन्य प्रणाम अर्पित करते हुए हम सभी आहत उनके अनाहत नाद की यात्रा पर उन्हें प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लता मंगेशकर का जन्म हिंदुस्तान में किया और हिंदुस्तानियों ने खुश सुना देखा। लता दीदी हमारे बीच नहीं रही, बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला, भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की मां अब हमारे बीच नहीं, लेकिन वो कहीं गई नहीं है। जिस तरह से पेड़ पौधे, सूरज चांद, धूप छांव, गंगा जी, नदियां, समुद्र, ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं, वो कोई अवतार थी, साक्षात सरस्वती। कल वसंत पंचमी थी, मां सरस्वती की हमने पूजा की और आज इस दुनिया की सरस्वती हमें छोड़कर चली गई। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं कार्यक्रम करने, दुबई वगैरह में या लंदन वगैरह में, तो वहाँ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और दूसरी कंट्री के लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे देश में सब कुछ है मगर दो चीज़ें नहीं, एक लता जी नहीं है, दूसरा ताज नहीं है हमारे पास। कई पाकिस्तानी ह्यूमर में ही सही कहते थे कि यार हमें लता मंगेशकर दे दो और पूरा कश्मीर ले दो। लता दीदी मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती थी, कभी मुकेश की नकल करती थी, मुकेश गायक, ये नितिन मुकेश बताते हैं, मोहम्मद रफी की नकल करती थी और अपनी बहनों की नकल करके खूब हंसाती थी, आशा जी की नकल, उषा जी की नकल,